हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा मेधावटी के बारे में। दोस्तों, जो मेधावटी होती है वो दिमाग को बढ़ाने वाली एक दवाई होती है जिसका इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी कर सकता है। दिमाग को बढ़ाने के लिए जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। छोटे बच्चे हैं जैसे कि स्टूडेंट हुए, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई ना करने की वजह से उनके क्लास में मार्क्स बहुत कम आ रहते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही जल्दी याद करना चाहते हैं तो आपको मेधावटी का इस्तेमाल करना चाहिए। मेधावटी के अंदर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ज्योतिषमती, अश्वगंधा, जटामासी, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को मिलाया जाता है। इसमें परवाल भस्म, चांदी की भस्म, इन सब चीज़ों को भी मिलाया जाता है ताकि बच्चा जो कुछ भी याद करे उसे हमेशा के लिए याद रहे और उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी बढ़ सके। तो आज मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगा, सेवन करने का तरीका बताऊंगा, कुछ इसके नुकसान भी हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो पर आप बने रहें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानते हैं इसके फायदों के बारे में। तो इस वटी का इस्तेमाल करने से स्मरण शक्ति की कमजोरी में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। जिन लोगों के सिर में दर्द होता है, नींद बहुत कम आती है, स्वभाव से वे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उनके लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा फायदा देती है। एक बीमारी है एपिलेप्सी की दिक्कत, यानी कि जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, इनकी स्मृति पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता, उनके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक इसका फ़ायदा होता है डिप्रेशन वाले लोगों के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें घबराहट होती है। अगर आप इस वटी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका डिप्रेशन भी ख़त्म होगा, आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप इस वटी का इस्तेमाल करें, मेधा वटी सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। विद्यार्थियों के लिए और जो भी मानसिक कर्म करते हैं उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। रोजाना के सेवन से उनकी बुद्धि बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है और उनके शरीर के अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि वो एक बार जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसे हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। इसलिए मेधावटी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। वृद्धावस्था में एक बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, उसका नाम है अल्जाइमर, यानी कि स्मृति पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जो कुछ भी वो याद नहीं रखता है, हर 10 से 15 सेकंड के अंदर वो भूल जाता है कि उसने पहले क्या काम किया था, नाम तक भूल जाता है, यह भूल जाता है कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। इन सभी दिक्कतों को भी दूर करने के लिए मेधावटी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और एक सरल उपाय है। इस औषधि का 1 महीने तक इस्तेमाल करने से बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में, किसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए रोज़ाना के तौर पर एक गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं, या फिर नाश्ता करने के बाद आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। और जो अडल्ट हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके लिए रोज़ाना के तौर पर 2 गोली सुबह शाम खाली पेट या फिर दूध के साथ या फिर नाश्ते के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यह जो वटी है पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसलिए इसका कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी आप अपने चिकित्सक से पूछकर इसका इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें ताकि जिनको भी दिमाग संबंधी कोई भी परेशानी है, मानसिक बीमारी है, वो इस वटी का इस्तेमाल करेगा और अपनी प्रॉब्लम को दूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।